टू बॉलीवुड क्रंच पीपल। बॉलीवुड क्रंच में आपको इंडस्ट्री की क्रंची मंची खबरों से रूबरू कराएंगे हम। शुरुआत करेंगे अमेज़न प्राइम पर आने वाले नए और सबसे पहले रियलिटी शो द रीमिक्स की, जिसे जज करने वाली हैं सिंगर सुनिधि चौहान, म्यूजिक कंपोजर अमित त्रिवेदी एंड डीजे न्यूक्लिया। वहीं करण टेकर शो को करेंगे होस्ट। जो ये कंटेंट है, म्यूजिक रियलिटी शो है, जो ये ग्रे मैटर प्रोडक्शन हाउस है उसका ये शो है, उनकी प्रॉपर्टी है, जिसको उन्होंने पहले इंडोनेशिया और कोरिया में आई थी बुक किया, वहाँ सक्सेसफुल हुआ एंड देन दे हैव ब्रॉट इट टू इंडिया। सो दैट्स अ बिग थिंग, बिकॉज जनरली क्या होता है, जैसे और शोज होते हैं वो बाहर होते हैं, हम उनको उनकी फ्रेंचाइज यहाँ पर आती है, बट ये यहाँ उल्टा हुआ है। सो दैट्स ऑल्सो अ न्यू थिंग। This is no less than a concert. This is barely a show. You know, I've worked on a bunch of shows, but the energy that this show has is something very brand new. And like Sunidhi mentioned, that the production quality and the entire setup of the show is very brand new. And the acts are really large. They're very beautiful. In fact, jab hum bhi hote the, hum bhi, I think, kahin na kahin audience hi ban chuke the, more than a part of the show when we used to watch the entire act go live. So it was a fantastic experience. And you know, eventually the whole portal of digital is really blasting open, and it is it's really cool, and it's quite an honor to be a part of a property that is coming on a channel like Amazon Prime, and it's really cool. So I'm very happy to be associated with this, and of course to be a part of this panel. Upcoming film Welcome to New York mein aham bhumika nibha rahe Bomin Irani ne media se ki apni film par baat. If you have come, आप देखेंगे कि मतलब इतने सारे लोग, टेक्नीशियंस, डांसर्स, मेकअप आर्टिस्ट, मीडिया पीपल, हजारों लोग को वहाँ लेके जाना, ऑर्गेनाइज करना, और ये 3 दिन का जो इवेंट होता है, इट इज़ रियली अ डिफिकल्ट इवेंट टू ऑर्गेनाइज। और कोई भी लाइव इवेंट हो, अगर कॉलेज का एक फेस्टिवल हो या एक छोटा सा मतलब एक फंक्शन, कॉर्पोरेट फंक्शन भी हो, लाइव में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होता ही, देयर इज समथिंग दैट विल गो रॉन्ग एंड दैट इज द एक्साइटमेंट ऑफ इट ऑल। एक प्ले क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, कोई प्रॉप्स हो या तो इसमें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो ये जो बैक स्टेज जो आप देखते हैं कंपेयर टू व्हाट इज ऑन द स्टेज, जो बहुत ही स्लिक और एक ग्रैंड इवेंट बनता है बैक स्टेज जो होता है, तो उन लोगों ने सोचा कि लेट्स मेक अ मूवी ऑफ द chaos of the backstage, और उसमें और मसाला डालेंगे और एक पिक्चर बनाएंगे और complications बढ़ा के, it will be a very interesting insight of what happens at an award show. तो ये पिक्चर बनाएंगे, और मैंने आई थिंक 5-6 आईफा अवार्ड में होस्टिंग किया, 2-3 में स्पेशल अपियरेंस में होस्टिंग किया हूँ, और आई एम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आईफा। तो अगर मैं नहीं रहूँ ये पिक्चर में तो गलत ही होगा, और ये पिक्चर में आई एम जस्ट आंसरिंग मोर क्वेश्चंस इन ऑल रोल्ड इनटू वन, मुझे मालूम है आप क्या करेंगे कर रहे। ये पिक्चर में जो विस्क्राफ्ट जो ऑर्गेनाइज करता है ये इवेंट कंसिस्ट ऑफ 3 वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, आंद्रे टिमन्स, सबस जोसेफ और विराफ सरकारी, आप जानते हैं नाम, राइट, दीज आर द पिलर्स ऑफ विस्क्राफ्ट। मैं ये तीनों को मिला के एक कैरेक्टर उन्होंने बनाया, आई एम द ओनर ऑफ विस्क्राफ्ट आईफा, तो वो कैरेक्टर मैं हूँ। तो जो भी होता है मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, पूरा पैसा बोलो या ऑर्गेनाइजिंग द मनी या ऑर्गेनाइजेशन मेरी तरफ से होता है, तो गड़बड़ जो भी होता है तो वो मेरे सर पे वजन होता है। एनीथिंग दैट गोज रॉन्ग आई हैव टू बेयर द ब्रंट, मार और नुकसान मेरा होता है। सो दिस कैरेक्टर ऑलवेज अंडर प्रेशर। डिमोनेटाइजेशन पर बनी फिल्म नोट पे चोट का हुआ म्यूजिक लॉन्च, जहां पहुंची फिल्म की पूरी टीम। इस फिल्म में 4 गाने हैं, तो 2 गाने हमारे हैं इसमें से, तो एक गाना रोमांटिक है, एक सूफी है। तो हमने तो जो रिक्वायरमेंट हमें हमारे पास आई कि हमें एक रोमांटिक सॉन्ग चाहिए, एक सैड सॉन्ग चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये काम किया। तो कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था कि हाँ भाई ये सिचुएशन है, काम करना है, तो किया बस। टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की बागी 2 का ट्रेलर किया गया लॉन्च, जिसका पोस्टर आते ही धूम मची हुई थी, तो अब देखते हैं कि ट्रेलर कैसा असर छोड़ेगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टाइगर और दिशा की फिटनेस केमिस्ट्री की, जो स्टेज पर आग लगा रही थी। सुनते हैं टाइगर और दिशा का फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई थिंक इसकी तैयारी तो बचपन से चल रही थी, और मेरा सपना था टू यू नो बी एन एक्शन हीरो। तो दैट बीइंग सेड आई थिंक चैलेंजिंग था, पर एक पैशन भी है, एक
एक सपना था. तो आई रियली यू नो आई थॉट वाज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिंस आई वाज अ चाइल्ड. और मैं मास्टर शिफु को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा क्योंकि ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस फिल्म यू नो इन फ्रॉम द एक्शन ट्रेनिंग टू एवरीथिंग. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हिम. अहमद सर, पीपल थिंक ही इज जस्ट अ कोरियोग्राफर बट आफ्टर दिस फिल्म आई थिंक एवरीबडी वी आर गोना बी इन फॉर अ शॉक. He's a choreographer, he's a director, he's an actor, he's a DOP. Sorry, Santa, you're a great DOP also. He's an action choreographer. He's an all-rounder and I'm so blessed to be working with him. And of course, my father figure in the industry, Sajid sir. When I'm under his wing, you know, I feel unstoppable and I feel I can, you know, take on an army. Disha was best at her appearance. I would like to thank Sajid sir, of course, because he gave me this opportunity. And we all know that he has launched some of the biggest stars. So I'm really thankful to him. And it's a beautiful story. Ahmed sir has literally spoon-fed me everything from day one. And, you know, he knows the character more than me, for sure. And he has told me everything, how to perform, including the songs. I was not that great. And he's a brilliant actor, as Tiger said. He's a great actor. He's an all-rounder. So thanks to him, whatever you'll see in the film, my performance, whatever has come out, I feel, you know, I've not done many films, but I feel this is my best performance, and all because of him, because he has actually, you know, like, forced me to bring the best out of me. Thank you, Disha. Stylish Sonam Kapoor pahunchi 25th years of heritage and values in India with Benetton India ke celebration mein. Kya hona chahiye is spring mein fashion statement par Sonam ka suniye kya tha jawab. What is the one? You know, honestly, denims are for me very, very important because, okay, so for me, now I'm traveling so much and I'm traveling for 1 month, each a month. Sometimes you really need to give your clothes to laundry or you don't want to do it. And jeans are something that you can wear once you're rolling. I can't believe I'm saying this out loud, but it's okay. And you know, it's nice to have a great pair of jeans that fit you very well. I'm very tall. It's very hard for me to find jeans that are my size. शादी के सवाल पर सुनिए सोनम ने क्या कहा. मेरी शादी की खबर आ रही है पर अनफॉर्चुनेटली मैं मीडिया के सामने कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करती हूँ. पर थैंक यू फॉर कीपिंग इंटरेस्ट इन माई लाइफ. आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार की हुई सक्सेस पार्ट, जहाँ पहुँचे आमिर खान अपनी वाइफ किरण राव के साथ. अभी अभी हमने आपको टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की अपकमिंग फिल्म बागी 2 की ट्रेलर लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी. अब दिखाते हैं कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की ग्रैंड एंट्री विद चॉपर फॉर बागी 2 ट्रेलर लॉन्च कैसे हुई. बाय टीज में दोनों ने चॉपर से मारी एंट्री और फैंस के साथ में बागी को किया प्रमोट. सो अभी के लिए बस इतना ही. पर बॉलीवुड इंडस्ट्री की क्रंची मंची स्टोरीज के लिए आप सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड क्रंच.